हेलो, मेरा नाम शिवम चौधरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धनराज परसेडिया। मेरा नाम आशुतोष बनकर है और आज हम टेम्परेचर ड्रॉप टेस्ट अंडर लोड करेंगे। एज अ लोड हम लोग आयरन को लिए हैं और हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये एपरेटस है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहला ये आयरन, इस पर हम जो टेस्ट होगा जो लोड की तरह हम लेंगे, और ये कॉपर ब्लॉक, और ये जो है यह थर्मोकपल जिसका जो इस्तेमाल होता है वो लोड का टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। और जो टेम्परेचर जो होता है वो डिजिटल स्क्रीन में आता है जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो है रेगुलेटर, इसमें तीन इसके वो होते हैं, स्टेप्स होती है 1, 2 एंड 3। जो जब रेगुलेटर 1 पे सेट होता है तो जो टेम्परेचर शो करता है ये लोड का करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वाल्व दिया गया है ये है वाटर कंट्रोलर वाल्व, जो कि वाटर का फ्लो कंट्रोल करता है। और यहाँ पे जो वाल्व दिया गया है ये है सिलिकन ऑयल कंट्रोलर वाल्व, जो कि सिलिकन जो अपन डालेंगे सिलिकन ऑयल इधर के थ्रू, यहाँ पे फोर्स दिए गए हैं 3, तो इधर से अपन सिलिकन डालेंगे तो उसका उसको कंट्रोल कर सकता है। एंड इसमें तीन अपने वो रहते हैं पाइप्स, जिसके थ्रू अपन, जैसे ये है वाटर इनलेट पाइप जो कि इसके थ्रू इसमें अटैच रहता है, एंड दिस इज वाटर आउटलेट पाइप जो कि जब इसका जो टेम्परेचर अपन डाउन करते हैं तो इसके थ्रू हॉट वाटर आउट हो जाता है। अब मैं आपको इसके प्रोसीजर बताऊंगा कि आप इस पर टेस्टिंग कैसे करते हैं। जैसे कि हमें ये पता है कि ये आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, ये कॉपर ब्लॉक है और ये हमारा पूरा एपरेटस है टेस्टिंग के लिए। तो कॉपर ब्लॉक में हम सिलिकन ऑयल का यूज़ करेंगे जो कि एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होगा फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, और आयरन को जलने से बचाएगा, आयरन की जो नीचे की सतह है। तो हमने इस पर आयरन को रखा है जो कि अभी गर्म हो चुका है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई जा रहा है डिजिटल डिस्प्ले पे 161, जो रेगुलेटर 1 है। और रेगुलेटर को जब 2 पे करेंगे तो अपना जो ये वाटर इनलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर बताएगा, और 3 पे करने पे ये वाटर आउटलेट का टेम्परेचर बताएगा। अब ये प्रोसीजर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन ये चाहते हैं कि इसका जो रिजल्ट, मतलब आयरन जो है वो पास होने के लिए 10 डिग्री का टेम्परेचर एक्सीड नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए लोड टेम्परेचर डाउन में, ताकि वो आयरन खराब ना कहलाए आयरन टेम। और इसके लिए हमें इसकी 5 बार रीडिंग करनी पड़ेगी जिससे कि इसका एवरेज निकाला जा सके फॉर बेटरमेंट ऑफ द रिजल्ट। और फाइनली हम इसका लोड चेक करेंगे, पावर लोड जो पर 100 वॉट होगा, उसका भी एक फॉर्मूला है जो कि हमने कैलकुलेशन में किया है, आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो यही हमारा प्रोसीजर था, और फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा जिसमें हमारा जो डिफरेंस होगा WC और WI में वो 10 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करेगा। धन्यवाद।